नमस्कार, माफ़ी चाहूँगी, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बताइए, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी रिप्लाई कीजिए प्लीज। प्रीति जी नमस्कार। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई, एक वर्कशॉप के सिलसिले हम लोग अहमदाबाद गुजरात गए। साबरमती आश्रम में मुझे जाने का मौका मिला। जब मैं साबरमती आश्रम में गई तो वहाँ एक आर्ट गैलरी बनी हुई है बहुत बड़ी। तो आर्ट में हम लोग को घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। गांधी जी के बारे में तो जाना वहाँ जाकर है, पर वहाँ पर बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है। तो उस आर्ट गैलरी में बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज़ें रखी हुई थी। उन आर्टिस्टिक चीज़ों को मैं देख के मंत्रमुग्ध हो गई। और बहुत सारा आर्ट वर्क वहाँ पर था, पर वो आर्ट वर्क इस टाइप का था जो पुरानी चीज़ों से बना हुआ था, जैसे कि बटन, कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर, ढक्कन, वाटर बॉटल के कैप और पुरानी वाटर बॉटल्स, पुराने कपड़े। इन चीज़ों से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई, और उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि ये पुरानी चीज़ों से बनाई गई। कहने के वो सेलिंग पर्पस से वहाँ पर रखी गई थी। तो बहुत बारीकी से देखने पर पता चल रहा था कि ये पुरानी चीज़ों से बनी हुई है। तो वहाँ से देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए कि पुरानी चीज़ों को लेकर नई चीज़ें बनाई चाहिए, और उसी को नया रूप रिन्यू करके मुझे आर्ट में लाना चाहिए, और उसी के साथ मेरे आर्ट के पैशन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने वहाँ से शुरुआत की कि अब मुझे यही करना है। ये मेरा शौक भी रहा है कि मैं पुरानी चीज़ों को नई नई चीज़ें नया रूप देकर बनाती रहती हूँ। यहाँ आसपास मैंने बहुत सारी चीज़ें, आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास मैंने रखी भी है, और उसको मैं सिखाती भी हूँ, और बनाने का शौक तो है ही है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाना भी आपको सिखाऊंगी इस सेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे और मेरी कला को आगे भी बढ़ाएंगे। बड़ी बड़ी खुशी होगी कि मैं अपनी कला के माध्यम से सभी से जुड़ पाऊंगी और सभी को कुछ नया बता पाऊंगी। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूँगी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मौका मिला कि मैं अपनी कला को कैसे आगे बढ़ाऊँ। एमपी के ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वाजिद अली खान जी, जो एमपी से बिलोंग करते हैं और जिनका देश ही नहीं विदेशों में वर्क विदेशों तक बिकता है, मात्रा में बिकता है। और उन्होंने अपना नाम, मैं तो उनके बाद जा उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। वो मुझे सुन रहे हैं तो नमस्कार बाजी जी। तो वो उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, वो बहुत गरीब परिवार से थे, मात्र पाँचवीं कक्षा पास है वो, और उनके पिताजी थे वो गैराज में काम किया करते थे, और ये गैराज में आसपास खेला करते थे। वो गैराज के आसपास आप देखते हैं कि छोटे छोटे छोटी बड़ी कीलें पड़ी होती है, स्क्रू पड़े होते हैं, छोटे छोटे औजार पड़े होते हैं। तो वो मिट्टी में ही उन औजारों और कीलों के माध्यम से आकृतियाँ गढ़ा करते, उन्होंने आगे चल और मौजूद है। तो वह छोटी मोटी किलो के माध्यम से पोर्ट्रेट बनाते हैं और उनका देखते ही बनता है। तो उनको देख के मुझे बड़ा प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ ऐसा नया के माध्यम से मैं आगे बढ़ सकूं, अपने आर्ट को आगे बढ़ा सकूं। सभी को धन्यवाद जो नए आए हैं, सभी को अच्छा लगेगा ये सेशन। हमारा सब्जेक्ट है कि आर्ट
एक मेडिसिन का काम करती है, तो आर्ट तो मेडिसिन का काम करता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन को शांत करता है। आजकल पेरेंट्सों की बड़ी समस्या बन गई है कि हम अपने बच्चों को कैसे एंगेज करें आर्ट के साथ में, या किसी भी डांस आर्ट कलाओं के माध्यम से कैसे उनको एंगेज करें। सभी में एक न एक कला भगवान देकर भेजता है, सभी के पास कोई ना कोई कला होती है, बस परखने की चीज़ें में कौन सी कला मौजूद है। तो अपने बच्चों को आप आर्ट के माध्यम से कैसे एंगेज कर पाएंगे। हमारे आर्ट में एक बड़ी स्पेशल चीज़ होती है कि बड़े जो भी व्यक्ति आर्ट के साथ जुड़ जाता है वो बड़ी एकाग्रता से काम करने लगता है। तो काम करने लगेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एकाग्रता जुड़ जाती है, वो एकाग्र हो जाता है। आजकल बच्चों बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए आर्ट वर्क बहुत फायदेमंद है। जब वो आर्ट का काम करता है, पेपर कटिंग करता है, कलर, तो उसकी 10 उंगलियों से वो काम करता है, जिससे दोनों मस्तिष्क के विकास बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा कहना, सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा और मैं बच्चों के लिए और बड़ों बड़ों के किसी प्रॉब्लम की वजह से हम नेटवर्क इशू हो गया था। तो ज्योति मैम नमस्कार आपको। तो आज मैं आपको बहुत सारा आर्ट वर्क सिखाने जा रही हूँ जो पूरी पुरानी और बेस्ट चीज़ों से बना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरे पीछे रखा है, ये देखिए नरगिस जी मैंने बनाई है। तो ये पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से बना है, तो सारे पेरेंट्स को देखने पे ही पता चल जाएगा कि ये है। और अभी जो हमारा लॉकडाउन का समय चल रहा है, जहाँ पर हमारे पास चीज़ों का अभाव है और आसानी से नहीं मिल रही, तो हम घर में पड़ी चीज़ों से भी हम बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो इसको मैं पलटाऊँगी तो देखिए ये पूरा कार्डबोर्ड से बना है, कार्डबोर्ड का ये पीस कटा हुआ है। किस कंडीशन का पीस है आपको दिख जाएगा, पासिंग करती हूँ मैं। तो ये देखिए, तो ये एक चौकर पीस मैंने कार्डबोर्ड का लिया है, और उसके ऊपर आगे फ्रंट साइड प्लेन साइड पर मैंने ब्राउन कलर पेंट कर दिया है। ब्राउन कलर एक्रेलिक कलर मैंने पेंट किया है, ये एक्रेलिक कलर है। और ये ब्रश ब्रश के माध्यम से इस ब्रश के माध्यम से मैंने इस एक्रेलिक कलर को ब्राउन कलर को पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद में इसमें मैंने पेपर के छोटे छोटे पीसेस लगाए हैं, देखिए पास से देखिए तो ये आपको ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर पीसेस काटे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ भी है कुछ, देखिए। तो ये पीसेस मैंने लगा काट लिए हैं पहले, और फिर उसको अन इवन तरीके से यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से, ये फेविकॉल आप कोई सा भी फेविकॉल ले सकते हैं, और फेविकॉल के मदद से इनको लगा रहे हैं, लगा दिया है हमने अन तरीके से। तो पूरा जो पीस हमने लिया है वो फेविकॉल की हेल्प से उसको पूरा पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने एक ये नरगिस जी का पोर्ट्रेट बनाया है। इसके पोर्ट्रेट के लिए देखेंगे कि है मैंने न्यूज़पेपर पे बनाया है, देखिए पास से देखेंगे तो आपको न्यूज़पेपर दिखाई देगा, दिख रहा है आप सबको न्यूज़पेपर। राधिका जी नमस्कार, ज्योति मैम नमस्कार, आरती जी नमस्कार, सभी संजय निगम जी नमस्कार आप सभी को। तो देखिए ये न्यूज़पेपर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर मैंने ये नरगिस जी का पोर्ट्रेट बनाया है। तो ये न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है, आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे कि ये पोर्ट्रेट देखिए, इसको मैंने कार्बन रख दिया है यहाँ नीचे, और उसके ऊपर न्यूज़पेपर रखा, और फिर इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर लिया है। आप पोर्ट्रेट डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो सबसे पहले फ्लावर और बर्ड्स के, एनिमल के पिक्चर्स, पिक्चर्स छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स लेके उसको आप ड्रॉ करके या ट्रेस करके फिर बना सकते हैं। तो ये ट्रेस करने के बाद में मैंने इसको कलर करना स्टार्ट किया है, यहाँ पहले ट्रेस कर लिया है, फिर यहाँ ग्रीन कलर फिल किया, और इधर रेड ब्लैक किया हेयर के लिए, लिप्स में, फिर उसको 000 ब्रश से आउटलाइन की है इसको। तो ऐसा ये पीस बन गया है। बस यही कि न्यूज़पेपर पे काम करते समय हमें कलर बहुत
थोड़ा लगाना है। ये कलर करते समय मैंने इन एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है, ये एक्रेलिक कलर। पर इसमें न्यूज़पेपर पे कलर करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत कम मात्रा में कलर लगाना है, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत पतला होता है, तो कलर बहुत कम लेना है, नहीं तो कलर ज़्यादा लग जाएगा तो आपका जो पिक्चर है वो रहेगा। आप यहाँ पे पास में फेस में देखेंगे कि मैंने बहुत कम कलर है, तो कहीं ना कहीं वो शेड का काम कर रहा है। यहाँ पर आप फेस पर देखेंगे तो इस तरह से मैंने नरगिस जी का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम एक बार और सेशन लेंगे ले लेंगे जिसमें कि आपको पूरा दिखा देंगे। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं आता है तो शिवाजी के माध्यम से मुझे पर्सनली जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जो पोर्ट्रेट हमारा अब रेडी हो चुका था उसको हमने सीजर की सहायता से बहुत अच्छे से कट कर लिया है और फिर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा ये मैंने कैसे बनाया है। ये पेस्ट करने के बाद ये फेविकॉल की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है मैंने इसके ऊपर। अब इसकी फ्रेम हमने ऐसे डायरेक्ट बना दिया होता तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने उसको पूरा फाइन किया है। तो आप देखेंगे कि इसकी बाउंड्री पर भी मैंने कार्डबोर्ड कट किया है। यहाँ पे रखा है मैंने ये कार्डबोर्ड, तो ये कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस है जो ऊपर की बाउंड्री निकाल दी है, और इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप इसकी काटी है मैंने। इस स्ट्रिप को काटने के बाद में ये और ये चारों तरफ से ये बाउंड्री इसकी कवर कर दी है। बाउंड्री कवर करने के बाद और पतली स्ट्रिप काटी और फिर मैंने यहाँ पर इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपकाया है, और छोटी छोटी लीव्स चिपकाई है, और छोटा सा फ्लावर गोल गोल कर करके उसे बनाया है और उसे चिपकाया है। और सब जब ये पूरा फेविकॉल की हेल्प से चिपक गया है तो इसको हल्का हल्का ड्राई ब्रश इन लाइनों पे किया है। तो ये पोर्ट्रेट हमारा एक छोटा सा शोपीस तैयार हो गया है, पेंटिंग भी कह सकते हैं हम। अगर ऐसे छोटी छोटी पेंटिंग्स बना लें, महिलाएं अपने घर में छोटी छोटी पेंटिंग्स बना लें, रेडी करके रखें, तो जब भी हम किसी को गिफ्ट देना चाहें तो ये गिफ्ट रूप में दे सकते हैं। और चूंकि घर की चीज़ है तो हमारे लिए कॉस्टली भी नहीं होगा, देना भी आसान रहेगा, और जब सामने उसे तो उसे बहुत खुशी होगी कि कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, जो बिल्कुल अनमोल है, किसी भी शॉप पर यह चीज़ नहीं होगी आपके। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बना के मुझे जरूर सेंड कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको और अपने बच्चों तो वो सीखें। मैं जानती हूँ कि इस ग्रुप में बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जो अलग अलग विधाओं में पारंगत है, तो कोई पूरा थिएटर में पारंगत है, कोई नाटक करते हैं, कोई कविता लिखते हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी ट्राई करें, और नहीं ट्राई करते तो बताएं कि आप इस तरह से समय, और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि मेरी कला सभी तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और उसका उपयोग हो सके। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो इसको एक बार और देख लीजिए। नमस्कार मनीषा जी, ये देखिए पूरी तरह से ये है वेस्ट जो से बना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आगे हम चलते हैं। जो एक कलाकार अपनी बात को बहुत छोटी चीज़ में कह सकता है। अभी हमने रामायण महाभारत सभी ने देखी, तो रामायण में मुझे एक किस्सा बड़ा अच्छा, राम जी के सामने लव कुश ने अपनी बात को, पूरी रामायण को, राम जी के पूरे चरित्र को कुछ लाइनों में कह दिया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 3 मिनट के गाने में उन्होंने पूरी रामायण कह दी। तो कितना बड़ा योगदान है कला का कि कला के माध्यम से उन्होंने राम जी के पूरे चरित्र को वर्णन कर दिया। तो कलाकार की यही विशेषता होती है कि वो अपनी बात को बहुत आसानी से रख रख देता है। कोरोना काल में भी आप देख रहे होंगे
छोटे पोस्टर के माध्यम से हमें आसानी से समझ में आ जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं कि हमें कैसे बचना है इस बीमारी से। तो कला का बड़ा विशेष योगदान है। आगे बढ़ते हैं, मैं ये देखिए, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये भी वेस्ट मटेरियल से बना है। ये देखिए, ये नेल पॉलिश की जो बॉटल्स होती हैं उस पे कलर कलर करके मैंने गणेश का सेट बनाया है। ये देखिए, ये पूरी नेल पॉलिश है और नेल पॉलिश के ऊपर मैंने ये एक्रेलिक ब्लैक कलर किया हुआ है, और फिर ये शिल्पकार है, आजकल ये मोल्डिट के नाम से मिलता है, पिडिलाइट कंपनी से बनाती है, तो इसमें दो पाउच होते हैं ये इस टाइप से, और इसको मिलाने पर एक क्ले बनता है, और फिर उसको कलर किया है, और इससे ये गणेश जी का मैंने मॉडल बनाया है। अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से बनेगा, तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ये मैंने सेट बनाया है और दिखने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं एक छोटा सा पीस बना कर के भी आपको दिखाऊंगी। तो ये दिखा छोटी छोटी दिखाने का उद्देश्य ही मेरा यह है कि हम किस तरह से छोटे छोटे चीज़ों का उपयोग करके एक नई चीज़ बना सकते हैं और बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बच्चे हमारे नए समाज का के निर्माता है। तो मैं यही रखूँगी, और आपको दिख रहा होगा शायद, अब ये देखिए, ये बिल्कुल ख़राब सा ट्रे था जो मैंने इसको यूज़ करके नया बनाया है, ये भी सारा एक्रेलिक माध्यम से है। तो देखिए, इस तरह यूज़ करके नया बना सकते हैं। अब लीजिए इस पर हम जाते हैं, तो मैं आज आपको कुछ बना के भी दिखाती हूँ। आप ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। ये मैंने सिंपल सा ढक्कन लिया है, देखिए, ये निविया क्रीम का ढक्कन है, और ये मैंने लिया है। अब इसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इससे कोई नई चीज़ बना लेंगे और किस तरह से अपने समय का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम पुरानी चीज़ों को नया कर सकते हैं और रिन्यू करके उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने ढक्कन लिया है और अब वाइट कलर ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो उस पर ट्रेस करके भी बना सकते हैं, बच्चे जो हैं वो ट्रेस करके बनाए, बड़े हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए, ये बनने के बाद एक फ्रिज मार्क बन जाएगा। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत छोटी चीज़ बनाने के लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम उसको पूरा भी ले लेंगे कि किस तरह से इसको डिटेल में बनाना है। दिखाई दे रहा है सबको, देखिए दो पेड़ बना लिए हैं मैंने, थोड़ी ग्रास लगाई है। ये देखिए, सबको दिख रहा होगा आसानी से। दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं ग्रीन कलर,
थोड़ा सा पिंक कलर लिया है मैंने। प्रिया जी नमस्कार, सविता जी नमस्कार, थोड़े से फ्लावर जैसे ये देखिए। इस तरह से एक छोटा सा पीस हमने तैयार किया है। अब नमस्कार, देखिए अब इसकी बाउंड्री कर रहे हैं हम। ये सब एक्रेलिक कलर के माध्यम से हो रहा है, एक्रेलिक कलर की सहायता से कर सकते हैं। चूंकि लॉकडाउन है, लोगों के पास एक्रेलिक कलर ना हो तो आप वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे पेपर, कलरफुल पेपर को चिपका करके इस तरह का फ्रिज मार्क, अलमीरा मार्क आप शायद आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए देखिए ये पेंट हो गया है। थोड़ी सूखने के बाद इसके ऊपर डबल कोट करना होगा इस पर थोड़ा सा। बहुत जल्दी छोटा सा सुंदर सा पीस बन जाएगा ये। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कहीं ना कहीं मैं आपके साथ जुड़ पा रही हूँ और आपको मेरा बनाया पसंद आ रहा है। देखिए मयूरी जी नमस्कार। देखिए तो ये हमारे पास पीस रेडी हो गया है। पिंक कलर के फ्लावर थोड़े मुझे कम लग रहे हैं तो थोड़े से यहाँ पर हम फ्लावर्स लगा देते हैं। और छोटा पीस रेडी हो गया है और इसके पीछे मैंने मैग्नेट लगाया है। अब ये मैग्नेट की सहायता से किसी भी फ्रिज पर लग जाएगा ये, और अलमीरा पे भी आप मास्क के रूप में लगा सकते हैं। और ये बहुत जल्दी, देखिएगा कि आपने कितनी जल्दी इसे, तो मुझे लगता है कि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रिसाइकल कर सकते हैं और नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी की तरह मैंने एक दूसरी चीज़ दूसरा भी बनाया है। देखिए ये भी ढक्कन पे मैंने बनाया है। देखिए ये भी ढक्कन है, देखिए पीछे से देखेंगे तो कितना पुराना ढक्कन है। ये भी पुराना लिया हुआ पहले कलर से बनाया है, पहले उसे पूरा वाइट कलर से पेंट कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का येलो शेडिंग दिया है। बीच में बर्ड्स ड्रॉ करी है और कलर के माध्यम से इसको सुंदर बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे छोटे बड़े ढक्कनों से 3-4 पीस का सेट बनाएं तो बड़ा ही सुंदर पीस रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छा वॉल हैंगिंग बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही होगी। ये रेडी हो गया है और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे आप ये पपेट देखेंगे, पपेट बनाई है मैंने। ये भी बॉटल की सहायता से बनाई है, पपेट का सेट है ये राजस्थानी। ओके ये देखिए, ये भी बॉटल लिया है हमने इसके, इसमें देखिए तो ये भी बॉटल के आपसे बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। आगे चल के हम एक और वर्क पे आते हैं। यही पल मैंने बना के रखा है। देखिए
मैं बहुत स्पेशल थोड़ा सा अच्छा चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये एक म्यूरल है, देखिए। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये जो मैं बता रही हूँ, तो इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि आप इसको यूज़ में लाएँ, यूटिलाइज करें समय को, और अपने घर की बेकार पड़ी चीज़ों को से कुछ ऐसा नया बनाएं जो सबको देखने में उतने में मजबूर कर दे कि कितना सुंदर है और कहाँ से ख़रीदा है, तो जिसके माध्यम से आपकी कला उभर के आए और हमेशा आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिले घर में रहती हैं या बाहर भी रहती हैं, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करके समाज में अपना स्थान बनाए कहीं कहीं। तो ये देखिए, ये एक मैंने प्लाई का टुकड़ा लिया है, देखिए लंबा सा टुकड़ा है, और इसमें सारी जो घर की बेकार छोटी छोटी बटन और चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने ये पीस के ऊपर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने फेविकॉल की हेल्प से इसको जमा दिए। आप देखेंगे बहुत ध्यान से, पीछे देखिए, देखिए पास में दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। तो देखने में आपको पता लगेगा कि इसमें छोटे छोटे खिलौने लगे हैं, ये छोटी सी तलवार है और ये, तो सबको मैंने फेविकॉल की हेल्प से एक प्लाई के ऊपर चिपका दिया। चिपकाने के बाद में इसको ब्लैक एक्रेलिक कलर कर दिया है, ब्लैक पूरा एक्रेलिक कलर कर दिया है मैंने उसको। कलर करते समय ध्यान से करें, और बच्चे अगर बच्चों से ही वर्क करवा रहे हैं तो आप भी साथ में बैठें ताकि वो कलर जो है वो से ढोलेगा, और थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रखें। तो ब्लैक कलर मैंने ब्रश की सहायता से, ऐसे ब्रश आते हैं ब्रश, इसमें फोन नंबर, आप फ्लैट ब्रश से इसको कलर कर सकते हैं, तो फ्लैट ब्रश की मदद से इसको कलर कर दीजिए। जिसके पास कलर नहीं है वो स्पंज की सहायता से इस पर कलर कर दें, और स्पंज भी नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो ये कलर कर दीजिए बारीक बारीक जगह में, अंदर तक इसमें कलर ब्लैक कलर कर दीजिए। जब ये ब्लैक कलर सूख जाता है तो उसके ऊपर आप गोल्डन कलर और कॉपर कलर से इसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट का मतलब यह है कि आप ब्रश को अच्छे से साफ कर लीजिए, ब्रश को उसको सुखा लीजिए, फिर बहुत कम मात्रा में बस इसको टच करके और ऐसे ऐसे पेंट हल्का हल्का करना है, तो एक इसमें एक थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। आप लोग के पास प्लाई का पीस नहीं हो तो आप उसको बॉटल पर कर सकते हैं, या प्लेट के ऊपर कर सकते हैं, तो इस तरह से आप एक नया आइटम बना सकते हैं। तो देखा कि इसमें मैंने कुछ, जब आप जो लोग ब्रश चलाना अच्छे से जानते हैं तो इसमें मैंने थोड़ी डिज़ाइन भी बनाई है, तो ये डिज़ाइन के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, वरना आप केवल हाईलाइट करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा मेरा वॉल पीस, तो आया हो तो मुझे बताइए, और मुझे बना के बताइए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी कला आप तक पहुंच रही है, और मैं कहीं ना कहीं कला के साथ अच्छा काम कर पा रही हूं, और बच्चों को भी सिखाइए और उनको मोटिवेट कीजिए कि ऐसी नई नई चीज़ें वो बनाएं। ध्यान से आप इसको देख लीजिए कि कैसा लग रहा है, देखा आपने पूरा इसमें बेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मैंने छोटी सी पेंटिंग भी बनाई है, तो आपको अच्छे से है तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहें विभाग के माध्यम से, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है ये, तो आप देख लीजिए। एक और वाक्या याद आता है, देखिए कुछ और जो चीज़ है मैंने बनाया है, तो ऐसे ही कला को लेकर बड़ा सुंदर सा एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि वर्कशॉप के लिए हम लोग जेल में गए,
रियल की महिलाओं को हमने एनजीओ के माध्यम से एक वर्कशॉप ली थी, तो वहाँ हमसे कहा गया कि कुछ ऐसा आसान सा आप उसमें इनको सिखाएं, जिनसे कि यह है जे ये लोग रोजगार, इन्हें रोजगार भी मिल सके और इनका जीविका का साधन बन सके। तो हमने उन्हें टाई एंड डाई सिखाया था। टाई एंड डाई आप लोग समझेंगे कि राजस्थान का फेमस आर्ट होता है बंदेज, तो बंदेज के जैसे दिखाती हूँ मैं आपको, ये बंदेज है, ये इसे कहा जाता है बंदेज पट्टे साड़ी, और इसे बंदेज कहा जाता है। तो ये बंदेज वर्क हमने वहाँ की महिलाओं को सिखाया, और ये सिखाने के बाद वहाँ के जो थे उन्हें भी बड़ा पसंद आया और उन महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से उस समय से उस जेल में इस काम की शुरुआत हो गई और उन्होंने कहीं ना कहीं इसे प्रोफेशनली ले लिया कि हम प्रोफेशनल तौर पर इनसे बंदिश करवाएंगे और वो मटेरियल को बेचेंगे, जिससे वहाँ की लेडीज़ जो थी वो सीख भी पाई और उन्हें रोज़गार का से वहाँ से निकलने भी वाली थी। तो निकलने के बाद भी उन्होंने इसको बंदेज को व्यवसाय रूप में लिया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो आप लोगों ने सिखाया था आज हम उसके साथ हमारा जीवन यापन कर पा रहे हैं और उससे हमारी जीविका चल रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं मैं किसी के दिल तक पहुंची हूँ और मेरी कला के माध्यम किसी को रोजगार मिला है, जीने का सहारा मिला है। तो उस दिन से मुझे बड़ी खुशी होने लगी और मैं कला के साथ और जुड़ती चली गई कि ये तो एक संजीवनी की तरह कर रही है। ऐसी ही मेरी एक फ्रेंड है राजकुमारी सोनी जी, उनके हस्बैंड की और बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो इतनी मायूस हो गई थी कि उनको जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। तब उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और आज वो सिंगिंग करती हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाती हैं और अपना जीवन यापन कर रही है। और वो कहती हैं कि मुझे संगीत नहीं मिलता तो आज शायद मैं नहीं होती। तो संगीत के माध्यम से उन्हें जीने का रास्ता मिला है। तो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि आर्ट इज़ मेडिसिन फॉर अवर लाइफ, तो मेडिसिन तो है ही, संजीवनी की तरह कार्य करती है बच्चों की एकाग्रता को बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आर्ट हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाता है। जो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को आर्ट के साथ आता है वो किसी के साथ नहीं आता। छोटे बच्चे धीरे धीरे जब स्कूल में जाते हैं उन्हें स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में वो फर्स्ट सेकेंड आने लगते हैं, जीतने लगते हैं, उनकी तारीफ होने लगती है। तो कहीं ना कहीं वो कला के माध्यम से किसी भी तरह, कला कोई सी भी हो, नृत्य हो, गायन हो, लेखन हो, तो उसके माध्यम से वो जुड़ते हैं और उन्हें मोटिवेशन मिलने लगता है। तो को बढ़ाने में कला का बड़ा विशेष महत्व है। तो शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे और मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि और भी मैंने चीज़ें रखी है। समय अभाव के कारण हम कुछ ही चीज़ बता पा रहे हैं। तो देखिए आप, ये भी एक वॉल पीस है और इसमें मैंने ये प्लाई का टुकड़ा लिया हुआ है और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर लगाए हैं। पत्थरों को लगा पे फेविकॉल की मदद से उनको पेस्ट कर दिया है और फिर उसके ऊपर एक्रेलिक कलर स्पंज की सहायता से किया है। इसमें मैंने ब्रश का भी यूज़ नहीं किया है और ये कोन आते हैं कलरफुल कोन, तो उसकी सहायता से मैंने इस पर शुभ लाभ लिख दिया है। तो छोटे चंदन की सहायता से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरे ये आर्टिस्टिक मॉडल पसंद आ रहे होंगे और कुछ आज आप अच्छा सीखेंगे। उसी के साथ में आपको, जैसे कि देखिए ये नेल पॉलिश पर मैंने ये गणेश जी बनाए हैं, तो नेल पॉलिश पे एक दूसरा नेल पॉलिश की ये बॉटल है और इस पर मैं बताऊंगी। देखिए ये मैंने मोल्डेड रेडी रखा है, तो ये मैं
बना रही हूँ, इसे छोटा छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ। इसका यूज़ करते समय थोड़ा सा आप टेलकम पाउडर का यूज़ कर लें। ये मोल्डेड ये ही है, ये शिल्पकार है, पर ये कंपनी एक्चुअली मोल्डेड के नाम से बिकता है। इसमें ये दो पैकेट है, इसको मिक्स करके मैंने इसमें कलर मिक्स किया है और ये मैंने रेडी रखा था आपको बनाने के लिए, दिखाने के लिए। और देखिए ये मैंने ऐसे, मैं फिर से एक बार बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपके पास शायद अभी नहीं होगा तो आप छोटे छोटे पेपर पेपर के फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक फ्लावर बना लिया है, ये फ्लावर रेडी कर दिया है। ये देखिए, तो शिवाजी पूछ रहे हैं पेंटिंग की शुरुआत कैसे है। मैंने बताया ही था भैया कि साबरमती आश्रम में मैं जब गई तो मैं वहाँ से देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पुरानी चीज़ों से नई बनाई जाती है। तो वहीं से मैंने इस काम को और आगे बढ़ाया और कहीं वेस्ट चीज़ों को नया करके नई नई चीज़ें बनाने की मैंने कोशिश की। और मैं वेस्ट मटेरियल पे ज़्यादा काम करती हूँ, जिसका मैंने अच्छा सा एग्जांपल ये बताया। मैं इस टाइप के म्यूरल ज़्यादा बनाती हूँ, ये देखिए म्यूरल। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई वेस्ट पे काम करते। देखिए ये ग्रीन कलर की लीव्स बना रही हूँ मैं, ये देखिए इसको ग्रीन कलर से मैंने पहले ही कलर मिक्स कर लिया था। अब क्या आपको मेरी आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये देखिए ये ऐसे छोटे छोटे बना लिए हैं मैंने। और ये रेडी करके रख लिया था मैंने, छोटी बड़ी लंबी लंबी लीव्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे भी बड़े आसानी से बना लेंगे ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट आइटम, और जब वो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में देंगे ये सब चीज़ें तो उनके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए नेल पॉलिश की बॉटल है, और ये मैंने छोटी सी केट पहले से ही बना के रखी थी और ये सूख गई है, तो इसको मैं इस पर पेस्ट करूँगी ऐसे। इसको फेविकॉल से अगर पेस्ट नहीं होती है तो आप मोल्डेड भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, और इसको पेस्ट कर सकते हैं। कैट मैंने इसके ऊपर लगा दिए, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? ये देखिए ये कैट मैंने लगा दी है। अब इसके साइड में हम फेविकॉल लगाने के बाद में ये छोटी छोटी सी लीव्स यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए तो ये पसंद आएगा और बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा ये। ऐसा लग रहा है कैट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कि कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है। ये देखिए एक छोटा सा रेडी हो गया है। देखिए थोड़ा सा हम लीव्स और बढ़ा देते हैं, ये और अच्छा लगेगा। योगिता जी नमस्कार जी, थोड़ा सा आप आगे आके दिखाती हूँ। देखिए अब आपको दिखाना है, प्रिया जी दिखाई दिया आपको, ये अभी मैंने बनाया है शायद आपको दिखाई दे रहा हो। अब ये दो तीन लीव्स छोटी छोटी और मैं ऐड करूंगी उसमें,
ये देखिए, जब इसे जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं तो इसमें हमें फेविकॉल की ज़रूरत नहीं होती, ये एक दूसरे पर ऐसे ही अटैच हो जाता है। कुछ समय बाद हम यूज़ करेंगे तो इसे फेविकॉल की हेल्प से हमें चिपकाना पड़ेगा। ये देखिए, तो एक छोटा सा पीस बहुत जल्दी रेडी हो गया है, और ये वो ही नेल पॉलिश है, देखो नेल पॉलिश की बोतल है, और ये छोटा सा पीस हमारे पास रेडी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। प्रिया जी दिखाई दे रहा है आपको, देखिए कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इतना लगता है सभी बच्चों को आता है, बस करने की देर है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, पुरानी चीज़ों को नया कैसे बनाएंगे और आर्ट के साथ कैसे जुड़ेंगे। ये एक और लीफ हमारी बची है तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उससे नेचुरल लुक आ जाएगा। तो देखिए ये हमने ऐड कर दिया है, तो ये बहुत सुंदर सा पीस बन गया है हमारे पास। ये तीन पीस जो मैंने ऐसे ही बनाए हैं, इस बॉटल को पूरा कलर कर लिया है पीछे, और ये गणेश जी का सेट रेडी। ये और ये अभी बना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो आज मैंने जो भी चीज़ें दिखाई वो उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और छोटी चीज़ों के माध्यम से मैंने सिखाने की कोशिश करी है इस थोड़े से समय में। माफ़ी चाहूँगी कि पूरा डिटेल में तो मैं आपको बता नहीं पाई, क्योंकि तो कहीं ना कहीं समय का अभाव है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो इसे लाइव वीडियो के माध्यम से, शिवाजी के माध्यम से आपको ये हम पूरी तरह से सिखा देंगे। और कॉल आ रहा है शायद, ठीक है कोई बात नहीं। तो आज आपको अच्छा लगा होगा। देखिए एक और ये मॉडल है, ये टेनिस का बोर्ड है, देखिए आपकी कितनी ख़राब कंडीशन में, कितनी ख़राब कंडीशन। हाँ फिर से हम लाइव हो पा रहे हैं, देखिए। तो ये एक टेनिस का बैट है, वो कितनी ख़राब कंडीशन है, बिल्कुल ये काला हो चुका है। ये उसी कंडीशन में रखा है ताकि आप लोग को समझ में आए किस किस तरह से बैट में। तो ये देखिए आगे से इसको मैंने ब्लू कलर किया है, और पास से देखेंगे तो इसके हैंडल पर डिज़ाइन बनाई दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा हो तो कमेंट करके बताइए। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, यहाँ ब्लू कलर किया है, और थोड़ा सा मल्टी वाला किले जैसा लुक मैंने यहाँ पर दिया है। ये इन्हीं एक्रेलिक कलरों के माध्यम से हो किया है, ये येलो कलर इसमें यूज़ किया है, और बारीक बारीक लाइनों के माध्यम से ये किले वाला लुक दिया बताया है। तो और इस ये मोल्डेड की सहायता से मैंने ये एक जेंट्स और लेडीज राजस्थानी ये लुक में बनाए हैं, और इस पे फेविकॉल की हेल्प से सेंड किया है, और इसको डेकोरेट करने के लिए मोतियों का लगाई है, और एक ये डेकोरेटिव पीस मैंने रेडी किया है। तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा, आज मैंने बहुत सारा आइटम आपको दिखाए। जिसके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैनवा पेंटिंग और आर्टवर्क करने के लिए पूरा सामान होना चाहिए, जो सामान है आप उससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं तो चाहूँगी कि आप बच्चों के आगे टास्क रखें, बच्चों के ग्रुप बना दीजिए, और उनको एक बैग प्रॉपर कर दीजिए, बैग बना दीजिए उनके पास, और उनके उनके पास छोटी छोटी चीज़ें दे दीजिए, जिसमें कलर हो, फेविकॉल हो, स्केल हो, पेंसिल, इरेजर, पुरानी बॉटल कैप, और छोटे मोटे टूटे खिलौने, कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर। और उन्हें टास्क दीजिए कि आपको 15 दिन के अंदर इससे कुछ बनाना है। तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ जरा नया गढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नया बनाने की करेंगे, बहुत कहीं वो हमारे राष्ट्र निर्माता है, और वो जो सोचेंगे वो हम बहुत नहीं होगा, वो कहीं नेट पे भी अवेलेबल नहीं होगा और बहुत नया होगा। तो हमारा आर्ट उसके लिए बहुत
कारगर होता है कि तो उम्मीद है कि आप लोग ये करेंगे। कुछ पेंटिक्स मैं बताना चाहूँगी कि ये न्यूज़पेपर पे बनाई गई, पेपर यूज़ किया है इसमें, और ब्लैक कलर, ये वाटर कलर भी हो सकता है, एक्रेलिक कलर भी हो सकता है, जो आप लेना चाहें। सिंपल न्यूज़पेपर है और ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तो इसके माध्यम से हम सिखाना चाहूँगी कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे वेस्ट को चीज़ों वेस्ट चीज़ों से बेस्ट चीज़ें बना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और कला के माध्यम से मैं मुझे जोड़ने के लिए। एक और आपको बात बताना चाहूँगी कि शिवाजी ने ये एक बुक लिखी है, माँ तुम जैसी थी बचपन में, सॉरी ये अजय कुमार जी ने लिखी है और शिवाजी ने इसका संपादन किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें शिवाजी ने अजय कुमार, तो इसमें जो चित्र बनाए गए थे वो मेरे द्वारा बनाए गए थे, तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि तो जो एक लेखक ने लिखा है यहाँ पे चित्र रूप देने के लिए देने की कोशिश की है कि चित्रों के माध्यम से या ड्राइंग की सहायता से हम अपनी बात को कैसे कह सकते हैं। तो ये एक इसका सब्जेक्ट है, संडे आया संडे आया। तो ये अजय कुमार जी ने शिवाजी के द्वारा संपादन किया गया है इसका। तो ये पिक्चर मेरे द्वारा पूरी बुक में बनाए गए हैं, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं मैंने जो कविता में बात लिखी है उसको चित्र के माध्यम से बताया है कि संडे आता है तो हम लोग कितने जो जॉब में होते हैं, जो बच्चों को छुट्टी एक दिन संडे की मिलती है और जो जॉब में होते हैं है, तो उन्हें बड़ी खुशी लगती है कि संडे आ गया, पूरा लेख का दिन रिलैक्स। मैंने वो चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये शिवाजी ने मुझे ये मौका दिया ये करने का, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुक में भी मेरे पिक्चर्स बने हुए हैं। ये देखिए, तो जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं उस उन सभी का धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आप मुझसे सीखा होगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे सीखा है वो खुद भी कर दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को बताएं। अगर आपको टाइम नहीं है तो दूसरों को बताएं कि आप ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो उसका व्यवसाय का साधन भी होगा। बच्चों को एक्टिव करें, हम तक पिक्चर्स पहुंचाने की करें, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल तक पहुंच पाई, आपको समझा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आप उसे करिए। तो धन्यवाद जो मुझसे इस सेशन की सहायता से जुड़े और मुझे सुना, इतना कीमती समय मुझे दिया, और बहुत 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 ही ज़्यादा आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आप मेरे साथ जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरह बहुत सारे इंदौर के ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक वाक्य मुझे याद आता है कि हम लोग जब वर्कशॉप लेते हैं तो के थ्रू हम लोग को वर्कशॉप लेने के लिए गए, और वहाँ पर हमने महिलाओं को पेपर बैग्स बनाना सिखाए। तो पेपर बैग्स हमने जब सिखाए तो उस समय महिलाओं के पास काम का कोई जरिया नहीं था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस समय पॉलिथीन पैंट होंगे, तो जब उसके सहायता से उन्हें एक रोज़गार मिलने लगा, उन्होंने पेपर बैग बन हो गई, तो कहीं ना कहीं उनको आय का इतना अच्छा जरिया मिला कि वो बहुत अच्छी तरीके से सक्षम हो गई उसमें, और बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगी। तो वो तो सभी लोग हमें इतना धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया और उसको हमने व्यवसाय रूप में लिया, और आज हम गवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और कला के माध्यम से सभी से जुड़ रहे हैं। तो आप
भी कुछ ऐसा कीजिए और हम आर्टन क्लिक के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें कि आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा। शिवा भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज भैया को बड़ा धन्यवाद, और कृपया मुझे बताइए कि आज आपका आज मेरा सेशन आपको कैसा लगा और आर्ट हम लोग की ज़िंदगी को निखारने में कारगर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आपको धन्यवाद।